हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं गोभी और प्याज के पराठे। इसके लिए मैंने क्या किया है, बिल्कुल बारीक बारीक ये चॉप करके रख दी। इसमें मैंने थोड़े से डेढ़ प्याज कट कर दिया है और मैंने इसमें देखिए थोड़ा धनिया भी कट कर दिया है और ना हरी मिर्च, 2 से 3 बारीक हरी मिर्च। और हम इसमें क्या करेंगे, एज पर योर टेस्ट आप इसमें नमक ऐड करिए, हल्दी ऐड करनी है। हल्दी से कलर बहुत अच्छा आता है और मुझे तो हल्दी का टेस्ट हर चीज़ में मैं ऐड कर ही देती हूँ। ये थोड़ा सा हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे, गरम मसाला, और हम ये लाल मिर्च, और हमें चाहिए थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी ना मैंने अजवाइन के दाने स्प्रिंकल कर रही हूँ मैं इस पर, इसे टेस्ट अच्छा आता है बहुत और खुशबू हो जाती है पराठों में, तो मैंने इसको भी ऐड करा है। ये ऑप्शनल, अगर आप चाहें ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज रहने भी दे सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे 10-15 मिनट छोड़ दीजिएगा ताकि मसाले को थोड़ा एब्जॉर्ब कर लें। उसके बाद हम लोई में इसको स्टफिंग करके तब पराठे बनाएंगे। ऑन कर देंगे और इसको तवे को हल्का सा गर्म होने देंगे। अब हमें क्या करना है, लोई बनानी है और इसमें फिलिंग करनी है। ये लोई हमें ड्राई डफ में इसको ऐसे करके इसको बेलना है। मैंने थोड़ी मोटी लोई इसलिए ली है क्योंकि फिलिंग, इसकी जो स्टफिंग है वो ज्यादा होती है, तो थोड़ा मोटा आटा लिया मैंने ज्यादा मतलब। अब हमें इसमें स्टफिंग करनी है। अब जैसे आप मोदक की को फोल्ड करते हैं ना, मोदक बनाते हैं, कोई भी पराठा बनाना होता है स्टफिंग वाला, तो उसको थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करके इसको बंद करके अब इसको बेलना है। अब हमें इसे देखिए बेलना है। हम इसको इसे रख देंगे वापस इसमें और इसको सिकने देंगे, उसके बाद इसमें फिर से ऑयल अप्लाई करें। अब आप इसमें ऑयल अप्लाई कीजिए, इसको पलट दीजिए। अब इसके दूसरे साइड पे भी हम ऑयल अप्लाई करेंगे। देखिए ये कितने बढ़िया बने हैं। अब आप गोभी के पराठे एंजॉय कीजिएगा, बना के रेसिपी मेरे को इन कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपको कैसी लगी है रेसिपी।